अजीम देखो उस बंदे को, देखो चोरी कर रहा है, पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। मेरे बच्चे कल से भूखे, उसकी वजह से हाथ चुप हो गया। चोर में हमारा मार्ट है, चोर आ गया, बच्चे की वजह से सिर्फ एक काम उठाया मैंने, मैंने चोरी नहीं की। इसको कस के पकड़ के रखो जब तक पुलिस नहीं आती है, बांधो यार इसको, बांध के रखो जब तक पुलिस नहीं आती। मामा बहुत भूख लग रही है। तुम भाई का ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए ना खाने का कुछ इंतजाम कर लूंगी। हाँ पकड़ के रखना इसको। हाँ भाई ये इन सब चीजों का बिल तो बना दे। हाँ एक मिनट। मैडम आपके 2,745 रुपए होगा। इतना ज्यादा? इतने ज्यादा रेट? हर चीज के ऊपर आपने इतने ज्यादा रेट रखे हुए हैं। और ये बॉडी स्प्रे कहीं से भी ले लो 400 रुपए का मिलता है, 450 रुपए का लगाया हुआ है आपने। देखें क्वालिटी नाम की भी कोई चीज होती है, हम लो क्वालिटी चीजें नहीं बेचते मैम। भाई मैं इसी कंपनी और इसी क्वालिटी की बात कर रही हूँ, आप कहें तो मैं कहीं से भी इससे कम रेट में लाके दिखा सकती हूँ आपको। देखें मैडम दिखने में तो आप अच्छी फैमिली की नजर आ रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा 20-30 रुपए के लिए आप बहस क्यों कर रही हैं। भाई बात 20-30 या 50 रुपए की नहीं, बात ईमानदारी की है। आपको वो मजबूर इंसान 20-30 रुपए का बिस्किट चुराने वाला चोर नजर आ रहा था, तो आप क्या है? आप ही तो चोरी कर रहे हैं, इतने रेट बढ़ाकर लोगों को लूट रहे हैं, आप ही तो चोर हुए। इस इंसान को तो पुलिस ले जाएगी, लेकिन आप जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं आपको कौन पूछेगा? मैं आपसे कह रहा हूँ कोई चोरी नहीं की। यार छोड़ दो यार ना, छोड़ दो। शुक्रिया, मैं तो बच्चों की वजह से कर रहा। अच्छा रुके रुके, ये मेरी तरफ से अपने बच्चों को दे दीजिएगा।